क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस प्रकार दिया है कि ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, तो यम ए प्लस एन बी अपॉन यम बी प्लस एन बी की वैल्यू पूछा है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में ए बटे बी बराबर सी अनुपाते डी बराबर के मान लेते हैं, तो ए की जो वैल्यू यहाँ निकालने लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते क्रॉस, तो बी के और अगला सी का निकालने के लिए तो डी के, ठीक है। अब आगे जो वैल्यू दिया है पुट कर देंगे यम मल्टीप्लाई बाय दी, एक वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से वी के प्लस एन की एन मल्टीप्लाई बाय दी सी वैल्यू डी के डिवाइड बाय दी यम ए सॉरी यम बी प्लस एन बी। यहाँ से देखिए के कॉमन मिलेगा तो के कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बचा क्या है यम बी प्लस एन बी के कॉमन आ गया है डिवाइड बाय यम बी प्लस एन बी, यहाँ से ए कैंसिल, तो बचा क्या के, के वैल्यू क्या है ए अनुपाते बी, ए आंसर हो जाएगा या तो बोल सकते हैं कि सी अनुपाते डी, ए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है हमारा आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड।